नमस्कार, आज हम बात करेंगे कुछ सामान्य दिनचर्या की जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सके। साथियों, स्वस्थ रहना हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और कुछ छोटी छोटी चीजों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि हम सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठने का अभिप्राय ये है कि 4-5 बजे के करीब उठ जाएं। उठते ही हमारा जो पहला काम है वो होना चाहिए हल्का सा गुनगुना मौसम के हिसाब से पानी पिए। यह पानी की मात्रा आपकी क्षमता के अनुसार 2-3 गिलास तक हो सकती है। इसके बाद में दैनिक कार्य करने के बाद में हम नहाना धोना करने के बाद में अपना नाश्ता लें। नाश्ता है उसके अंदर अगर अपन फल फ्रूट स्प्राउट्स ये ले तो बेहतर होगा। जंक फूड पिज्जा बर्गर का इस्तेमाल ना करें। परांठे भी नियमित रूप से ना खाएं। एक विशेष चीज का ध्यान रखें, दूध के साथ कभी खट्टे फल ना खाएं। इसमें आंवला एक अपवाद है जिसको हम ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको छोटी मोटी कोई भी तकलीफ हो तो पहले आप उसमें घरेलू उपचार की तरफ जाएं। जैसे अगर गैस तेजाब एसिडिटी ये अगर ज्यादा बन रही हो तो इसके लिए अजवाइन काला नमक मेथी ये बहुत ही कारगर है। अजवाइन को तवे पर सेक लीजिए, उसको पीस के काले नमक के साथ मिला लीजिए और एक चुटकी दिन में 2-3-4 बार तक भी ले जा सकती है। इसके अलावा रात को खाना हल्का लीजिए, खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए। नियमित रूप से हम सभी को योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। शुरुआत में ये किसी टीचर के सानिध्य में करें। इन सभी की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मैं व्यक्तिगत रूप से योगा प्राणायाम और मेडिटेशन को जिम से ज्यादा फ्रूटफुल मानता हूँ। जिम में जाने से आपके शरीर में एड्रिनल्स बढ़ते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। जबकि जो मैंने बताया योगा प्राणायाम मेडिटेशन, इससे आपका पल्स रेट ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी रेट ये नॉर्मलाइज की तरफ आते हैं। आपका मन शांत रहता है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर ये सभी अपन करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नमस्कार। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।